आर यू इंटरेस्टेड फॉर MBBS इन बांग्लादेश? तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो MBBS करना चाहते हैं बांग्लादेश से। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बांग्लादेश का जो प्रोसेस है MBBS एडमिशन का, वो सभी को लेके। हाय, आई एम अनुरूपा रक्षित एंड एकेडमिक काउंसलर ऑफ पाइस एडुकेयर। इस वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पाइस एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटू सा बेल बटन है, उसे भी प्रेस कीजिए और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बांग्लादेश का जो एडमिशन जो प्रोसेस है उसको लेके, पर उससे पहले स्टूडेंट को एलिजिबल होना है फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश का कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं पहले डिस्कस करूँगी ये जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसको लेके। द फर्स्ट पॉइंट इज नीट क्वालिफाइड इज मैंडेटरी फॉर MBBS इन बांग्लादेश। दिस ईयर मतलब 2022 में नीट का कट ऑफ मार्क्स था फॉर जनरल कैटेगोरी 117 एंड फॉर रिजर्वेशन कैटेगोरी 93। और मैं यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि जो जो स्टूडेंट 2022 में नीट नहीं दिया है पर 2021 में क्वालिफाइड किए थे, उन सभी स्टूडेंट 2022 में बांग्लादेश में MBBS कर सकते हैं। 2021 में नीट का कट ऑफ मार्क्स था फॉर जनरल 138 एंड फॉर रिजर्वेशन कैटेगोरी 110। द सेकेंड पॉइंट इज स्टूडेंट को 10th प्लस 2 12th क्लियर करना है विथ 3 मेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 60% रहना मैंडेटरी है और जो दो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसमें 50% होना मैंडेटरी है। द थर्ड पॉइंट इज बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ एक साल का ही ईयर गैप अलाउड है। मान लीजिए कोई बच्चे 2020 में 10th दिया है और 2022 में 12th क्लियर किए हैं, वो बच्चे तो एलिजिबल है ही। उसके साथ साथ जो जो बच्चे 2019 में 10th दिया है और 2021 में 12th क्लियर किए हैं, वो सभी बच्चे भी MBBS कर सकते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पर और एक चीज़ है जो गौर से सुनिए, जो जो बच्चे 2019 में 10th क्लियर किए हैं पर कोई भी या फिर किसी भी वजह से 2021 में 12th क्लियर नहीं कर पाए और 2022 में वो सभी बच्चे 12th क्लियर किए हैं, उन सभी बच्चे भी एलिजिबल है फॉर 22 एंड 23 सेशन MBBS इन बांग्लादेश। द फोर्थ पॉइंट इज GPA, ग्रेट पॉइंट एवरेज। स्टूडेंट का 10th का GPA स्कोर होना चाहिए 3 out of 5 एंड 12th का जो GPA स्कोर है वो होना चाहिए 3 out of 5। और 10th और 12th लेके ऑल टोटल GPA स्कोर 7 out of 10 रहना बांग्लादेश के लिए मैंडेटरी है। और बांग्लादेश में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे GPA स्कोर 8 या फिर 9 मैंडेटरी है। जो जो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सकते हैं और सोच रहे हैं बांग्लादेश में MBBS पढ़ने के लिए, ये भी सोच रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में आप एडमिशन लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाइस एडुकेयर इज़ हियर टू हेल्प यू। आप पाइस एडुकेयर के जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। अब ये सवाल आता है कि आप हमारे से मतलब पाइस एडुकेयर से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। स्क्रीन पे कुछ नंबर्स शो हो रहा है उसमें कॉल कीजिए। उसके साथ साथ ही आप जो स्टूडेंट्स का 10th एंड 12th का मार्कशीट और जो नीट स्कोर कार्ड है वो हमारे एडमिशन जो काउंसलर्स है उसके व्हाट्सएप में भेजिए। उसके बाद एडमिशन काउंसलर्स वो कैलकुलेट करके आपको ये इन्फॉर्म कर देगा कि स्टूडेंट बांग्लादेश के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो बांग्लादेश के लिए तो हमारे एडमिशन काउंसलर्स आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब मान लीजिए आपका लोकेशन, आपका GPA, स्टूडेंट का GPA स्कोर और आपका बजट, ये सभी के हिसाब से हम कुछ बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश आपको सजेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको उन सभी कॉलेजेस से एक कॉलेज सिलेक्ट करना है। सो आफ्टर सिलेक्टिंग द कॉलेज, कॉलेज का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजना है पाइस एडुकेयर को। और पाइस एडुकेयर आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज का, वो कॉलेज को सेंड करेगा। उसके बाद कॉलेज से एक प्रोविजन लेटर आएगा और प्रोविजन लेटर आने के बाद आपको अपना सीट बुकिंग करना है। सीट बुकिंग अमाउंट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, जो कि 3000 USD से 5000 USD तक होता है, जो आपको डायरेक्टली कॉलेज का अकाउंट में पे करना है और वो
प्रोविजन लेटर में ही मेंशन रहता है कॉलेज टू कॉलेज कितना अमाउंट आपको पे करना है। सीट बुकिंग अमाउंट पे करने के कुछ दिनों के ही अंदर में आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा, और अगर आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाए तो आप ये श्योर है कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन पक्का है। सो आई एम श्योर कि आपके मन में जो क्वेश्चन था, जो सारा क्वेश्चन था एडमिशन प्रोसेस को लेके बांग्लादेश में, वो सारा क्लियर हो चुका है इस वीडियो से। और भी अगर कोई इंक्वायरी है और कुछ पूछना है और कोई कंफ्यूजन है तो दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। पाइस एडुकेयर है आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आप हमारे साथ जो स्क्रीन पे नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए, और एनी क्वेरीज एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज का, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, एंड व्हाई यू चूज पाइस एडुकेयर फॉर टेकिंग एडमिशन इन एब्रॉड। ये सारे चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्टे ट्यून्ड विथ आस। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।